के बीच जो बैठा है लाल परा लग रहा है दोनों। Hey guys, welcome back to my YouTube channel, misty.meet. तो अभी मेरा फुल मेकअप होने के बाद हम आपको फेस दिखाएंगे, तो हम बैक से ही बोल रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं बिट्टू जी? बहुत सारा काम है आज, बहुत काम है। तो पहला काम मैं बता देती हूँ ना, पहला काम है शोरूम जाएंगे गाड़ी देखने के लिए। आप लोग बोले थे कि मतलब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग वही गाड़ी ले रहे हैं, लेकिन हम लोग वो गाड़ी अभी ले रहे हैं कि नहीं ले रहे वो तो लास्ट में ही पता चलेगा। फिलहाल अभी एक और गाड़ी देखने के लिए जा रहे हैं। तो हम लोग कोई सा भी गाड़ी देखेंगे आपको जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि आप लोग अपने कमेंट देते हो कि ये गाड़ी लो ये नहीं लो। सो इसलिए अभी हम लोग जा रहे देखने के लिए फिर से। और उसके बाद जैसे कि पूजा है, दुर्गा पूजा, तो हम अभी तक नहीं खरीदे हैं बच्चा लोग का कपड़ा। तो अभी जाएंगे, बहन जो है इनकी सिस्टर ननद मेरी, सबका कपड़ा लेंगे। और ये मैं आपको बस लिपस्टिक लगा के पूरा लुक दिखा रही हूँ, और भी एक्स्ट्रा बहुत काम है। और आज हम ब्लैक साड़ी पहने हैं बहुत, और मेरे को थोड़ा सा जुकाम हो गया। तो यहाँ पे अभी हम रील शूट कर रहे हैं, आईडी है misty.meetoo, क्योंकि जैसे हम बहुत कम साड़ी पहनते हैं तो इसलिए अभी हम ब्लैक साड़ी भी पहने हैं। तो हमको बहुत अच्छा लगा कि चलो एक रील तो बना ही ले, एक दो रील बना लिए, वो मिलेगा आपको इंस्टाग्राम में। और अभी हम आपको अपना पूरा लुक दिखाते हैं अच्छे से, कि मैंने ब्लैक साड़ी में कैसे वेयर किया, क्या ब्लाउज़ है और क्या हेयर स्टाइल है, सब मैं आपको धीरे से अच्छे से दिखाती हूँ। क्या कैसा लगा है लुक? चलिए मिरर में बता सकते हैं, नहीं इधर मिरर, अब बताइए कैसी लग रही है? एक नंबर क्या होता है? मस्त। आज भी लोगों तारीफ ही नहीं करता, तारीफ करूं मैं इतकी जिसने इछे बना, मम्मी को कीजिए, मेरी मम्मी को। सो हो गया, हम दोनों का रेडी है, इनका लुक है मेरा लुक है। और बहुत दिन से इनका मन था कि मैं साड़ी वाड़ी पहन के जाऊँ थोड़ा अच्छे से, सो मैंने आज ब्लैक साड़ी पहन लिया। बहुत पुराना साड़ी है गाइस ये मेरा, बहुत ही पुराना साड़ी, एक बार तो शायद इसको भाभी भी पहनी थी, आप लोगों ने देखा भी होगा। और ये बहुत अच्छा लगता है इसलिए हम इसको लेके आए हैं, बहुत ही प्यारा लगता है। तो चलिए, बहुत ही आज बहुत ज्यादा काम है, बहुत थोड़ा सा धूप भी है, मौसम भी सही है, बट देखते हैं क्या होता है। सो अभी चलते हैं, सबसे पहले हम शोरूम चलते हैं क्या? ठीक है, चलिए बाय। ये मम्मी दी है गाड़ी बुक का शगुन का पैसा, आज इससे क्या होगा वो फाइनल पता चल जाएगा कि मम्मी का काम किया कि नहीं। क्या मोबाइल नहीं लिया हमने वो वाला? दोनों फोन आप लिए हैं? एक तो डाल लो उसमें, एक वो दीजिए इसमें ले लीजिए, फोटो शूट के लिए ठीक है। चलो तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं टाटा मोटर्स। और मैडम कैसा लग रहा है? और बारिश भी हल्की हल्की आ गई थी ना, बारिश होने लगा था लेकिन अभी आज मौसम बहुत अच्छा। अभी ये आप जो गाड़ी देख रहे हैं, लेकिन दूर से नहीं लग रहा था कितना बड़ा है, इसको काफी ज्यादा बड़ा लग रहा है गाड़ी, ये बड़ा गाड़ी। और इसके अंदर का जो फील है वो अलग है, टाटा ने नया गाड़ी लॉन्च किया और इसका ये एडवेंचर है, उसमें एक टच स्क्रीन अलग से देता है, अगर इसके एक मोड़ और ऊपर जाइएगा तब आप, और बाकी सब कुछ सेम रहता है। इसमें बहुत सारा चीज़ जो है ना अलग टाइप का है जो अच्छा लगता है हमको, और इसलिए कभी कभी मन मेरा जो है ना, तो बताइए। हाँ,
अभी हम दो गाड़ी का डिफरेंस बताएंगे। ये मेरे को थोड़ा सा ऊंचा टाइप का लग रहा है एंड ये हमको बहुत अच्छा लग रहा है ये वाला मॉडल, क्योंकि इसकी हाइट थोड़ा सा एक वो मैक्रो एसयूवी है और ये सेडान के अंदर में आता है। ये थोड़ा सा ज्यादा मेरे को अच्छा लग रहा है, इसका ये पोर्शन देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। नहीं ये भी अच्छा लग रहा है लेकिन ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि सबसे टॉप मॉडल है ना, इसीलिए इसका फिनिशिंग वगैरह सब कुछ अलग टाइप का दिया। टेस्ट करेंगे। हाँ आपको आता है? आता है आपको? ठीक है आराम से। ये हो गया इसका कौन सा मॉडल? ये टॉप मॉडल टच स्क्रीन है ना, इसमें दिया और ये तो टॉप मॉडल नहीं ना लेंगे हम लोग, तो उसमें होगा टच स्क्रीन? उसमें बाहर से भी लगा सकते, बाहर से भी लगा सकते, दिखा देंगे हम। अच्छा तो ये जैसे 7 इंच का है ना, हाँ वो आपका 10 इंच का रहेगा पूरा यहाँ तक, और ये आपका वायरलेस नहीं है, वो वायरलेस रहेगा, नेविगेशन वगैरह सब उसमें इंस्टॉल रहेगा पहले। तो फिर वो तो बाहर से देखेंगे क्या? राहुल के पास है, इसको हम चला लेंगे ना, बिल्कुल आराम से चला लीजिएगा। तो चलिए थोड़ा सा बात हम आपसे कर ले। मुझे इस गाड़ी में ज़्यादा कुछ मतलब होता है कि ख़राबी नहीं लगा, मुझे अच्छी लगी गाड़ी और मिट्टू जी को तो बहुत पसंद है। मुझे एक चीज़ इसमें नहीं अच्छी लगी, वो क्या है कि आगे का जो पोर्शन है वो काफ़ी बड़ा लगता है, हैवी टाइप का लगता है दिखने में, मतलब अगर मैं कभी चला पाऊँ तो मुझे बहुत बड़ा लगेगा। और इधर आ गया है भाई और उसका दोस्त, तो अब देखते हैं कि आखिर इन लोग दोनों मिलके क्या फैसला लेता है। क्या बच्चा हा? क्या फैसला? ये देखिए वाइट कलर का है और ये अल्ट्रोज का टॉप मॉडल है और उसका साथ सेकंड वेरिएंट होगा, इसमें सेकंड वेरिएंट है। सेकंड वेरिएंट में बहुत सारा चीज, अभी हर गाड़ी में मॉडल इतना सारा है ना कि इसमें पैर छू रहा है, इतना भी छोटा नहीं है। देखिए इसमें भी इसका पैर पूरी तरह से पहुंच गया। आप क्या ऐसा करके चलाएंगे? स्टार्ट मत कीजिए। ठीक आ जाएगा। और अभी दूसरी गाड़ी में देखिए इसके पैर छू पाता है। आगे कर सकते हो इसको, यहाँ पे परेशान ना हो जाए कोई कस्टमर उसके लिए, अगर हवा निकल जाए तो हवा निकल गया तो क्या हो, आराम से चलेगा। सब टूलेस ही रहता हो, तुमसे हवा भरे कुछ डिस्टेंस आप जा सकते हो। ये पंचर बनाने का सारा में देश के लेके सब टॉप मॉडल में सब मिल रहा है, कोई चीज़ बहुत अच्छी सब में। अभी देखो अल्ट्रोज वगैरह सब में आता है। सिंटू लेगा BMW। क्या सिंटू ये क्या? ये भी टाटा का आता है। Gracias.
और गाइज मैं ये शॉर्ट वीडियो दिखा रही हूँ तीन गाड़ियों की, एक वाइट में बहुत सुंदर लगता है मेरे को, और ये जो बीच में है ये उनके दोस्त सिंटू जी और मेरे हस्बैंड को बहुत ही प्यारा लग रहा है। टाटा पंच न्यू मॉडल आया है, लेकिन मेरे को ये थोड़ा सा हैवी टाइप का लग रहा है, और ये बाकी ये ब्लू भी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इन तीनों में बहुत कन्फ्यूजन। सो प्लीज़ आप लोग कमेंट करो, क्योंकि अगली बार आपने कमेंट किया था मैंने जो देखने गया था, बट मैं फिर से देखने के लिए आई क्योंकि मैंने आपके कमेंट कुछ के पढ़े थे। सो आप लोग प्लीज़ सारे लोग बोलिएगा कि टाटा पंच में आपको क्या लगता है कि कौन सा सही है, बाकी और भी देखेंगे, लेकिन गाड़ी है कि देख के ही लेना चाहिए एक दो बार अच्छे से। और यहाँ फिर से ये टेस्ट ड्राइव करें दूसरी गाड़ी में, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि थोड़ा सा वो बीच वाला हैवी हो जाएगा, जिसके कारण मैं थोड़ा सा सोच रही हूँ, बाकी मुझे वो टाटा पंच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। आप लोग भी कमेंट करते रहिएगा, और अभी बस लास्ट देखूँगी फिर घर निकलेंगे। लाल परा लग रहा है दोनों। वो तो उसके ऊपर लग जाएगा ना, यही रहेगा। कितना है इसका रेटिंग? तो हमने ये लास्ट देखा है, लेकिन इसमें क्या है ना कि बहुत सारे काम जिन्होंने बुक किया होगा वो करवाया है, ये ऐसे नहीं मिलेगा, जैसे कि इसमें बहुत सारे ब्लैक लाइट में जो भी लगा हुआ है सब काम करवा के है, लेकिन इसकी जो फिनिशिंग आई है बहुत ही सुंदर आई है, तो इसलिए लुक बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन सेफ्टी में थोड़ा सा कम रेटिंग है इसकी। और ये देखो गाइस शाम हो गई है पूरा, मतलब देखे मतलब आज क्या है ना कि सारा हम लोग ने देख ही लिया है, अब बस घर जाके सोचना है और पापा लोग से बैठ के बातें करना है कि आखिर लेना क्या है। तो अभी हम लोग मार्केट से आ गए हैं और बहुत ज़्यादा थके हुए, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, आप देख सकते हैं लगभग कितना बज गया, 8 बजने वाला है, और थक के सबका हालत खस्ता हो गया है, तो कुछ शॉपिंग वगैरह हुआ है और ढेर सारी गाड़ियाँ मतलब जो जो हम लोग को पसंद था सब देख लिया, अब करनी है डिसीजन कि करना क्या है, और इसका कुछ मेरा मन कुछ और, भाई का मन कुछ और उसका कुछ मन, तो सबका डिसीजन थोड़ा थोड़ा कुछ अलग हो रहा है, लेकिन फाइनली बहुत जल्द हम लोग कोशिश करेंगे कि गाड़ी हम लोग बुकिंग करवा लेंगे। एक गाड़ी तो मैंने बुकिंग करवा लिया, लेकिन आज फिर बुकिंग करवाना था कि फाइनल बुकिंग था, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि गाड़ी रोज़ रोज़ हम लोग जैसे नॉर्मल इंसान के लिए थोड़ा सा दिक्कत होता है, वो डिसीजन लेके थोड़े से गाड़ी लेनी पड़ती है, तो इसलिए हमने डिसीजन थोड़ा सा पेंडिंग कर दिया और थोड़ा और समय लेंगे, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन सी गाड़ी लेनी है। तो आज के लिए इतना ही, पूरा थक के हालत ख़राब हो गया, इसलिए अभी टाटा बाय बाय।